हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज कर्तव्यास किचन में बनने जा रही एक इतनी स्वादिष्ट सी रेसिपी जिसको खाने के बाद आप कहेंगे कि भाई वाह क्या रेसिपी है। तो ये है कच्चे केले की रेसिपी, जिसको हम कच्चे केले की सब्जी भी बोल सकते हैं, और इसको हम रोटी के साथ खा सकते हैं, इसको हम चावल के साथ खा सकते हैं। और बाय द वे, आपका कुछ क्रिस्पी सा अच्छा सा खाने का मन कर रहा हो ना, तो आप इसे स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। ये इतनी ही लाजवाब लगेगी जैसे कि रोटी और चावल के साथ लगती है। तो है ना ये एक अच्छी रेसिपी। वैसे इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, चैनल तो मेरा क्या है, ये आप ही का है, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से बनता है कोई भी चैनल। तो जब तक आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा तभी तक ये चैनल रहेगा। तो जल्दी से कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और रेसिपी को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लेते हैं पैन, इसमें करते हैं मस्टर्ड ऑयल को गर्म, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से मैंने जो केले थे उसको पीसीज में कट कर लिया था, और इसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया। इस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़े से ऑयल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर जब ब्राउन सा कलर आ जाएगा, ये क्रिस्पी से हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। लगभग 3-4 मिनट तक इन्हें सेकना है और निकाल लेना है। वापस से उसी पैन में हम 2-3 चम्मच ऑयल गरम करेंगे फिर से, और यहाँ पर हींग पाउडर डालेंगे। हींग देखिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो हींग तो मेरी सारी रेसिपीज़ में जाती है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा इस तरह से, और जब हींग और जीरे दोनों अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन। देखिए फ्रेंड्स, अनियन के इस तरीके से हमको डालना है और इसको भून लेंगे। वैसे फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना। वैसे जो केले थे वो 7-8 थे लगभग, जो धोया था, छीला था, वो सब मैंने हटा दिया है, क्योंकि अगर वो सारा मैं पार्ट जो शूट करती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब हम डालेंगे इसमें, जब हमारी जो अनियन है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें अपना टमाटर, जो कि ऐसे बारीक मैंने कट कर लिया था। इस तरीके से हमें टमाटर को काटना है, और इसमें नॉर्मल से मसाले, वही जो अपने हम हर सब्ज़ी में ऐड करते हैं, वही ऐड करने हैं। यहाँ पर मुझे डालने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक भी मैंने साथ ही टमाटरों पर डाल लिया है। इससे क्या होता है, टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक डालने से जो भी पानी होता है उनका, वो जल्दी निकल जाता है और नरम हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे मैंने आराम आराम से इनको चलाकर भून लिया है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे और थोड़ी देर के लिए लिड लगाकर इसको सॉफ्ट होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुका है। ऐसे जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्राइड कच्चे केले। इस तरह से हमें अपने ऐड कर देने हैं, बस आपको भी ऐसे ही ऐड करने हैं फ्रेंड्स। कच्चे केले से वैसे तो हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। टाइम टाइम पर आपके लिए और भी रेसिपीज़ लाती रहूँगी, बस आप मुझे फीडबैक देती रहिएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अगर कुछ गलती, कुछ कमियाँ लगती हैं आपको, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। अब इसको हम फिर से वापस 2 मिनट के लिए लीड लगाकर फिर से इसको सॉफ्ट होने देते हैं, ताकि मसाले का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब हम करते हैं इसको सर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी क्रंची सी और अंदर से है एकदम सॉफ्ट अच्छी सी केले की सब्जी। तो केले की सब्जी आप इस तरीके से ज़रूर बनाना फटाफट से, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये। अगर छीलने से लेकर धोने तक, काटने तक का प्रोसेस हम करें तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिए थे वो लगभग 7-8 करीब केले थे, आप मानकर चलिए 1 किलो में थोड़े बहुत कम थे, ठीक है। तो मैंने चावल भी बनाए हैं, चावल के साथ भी ये मुझे बहुत टेस्टी लगी, आप भी ज़रूर बनाना। और हाँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, कर्तव्यास किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको आती हैं मेरी रेसिपीज़ पसंद, तो फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। चलते हैं, बाय बाय।